साल भर में प्रत्येक माह एकादशी आती है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस बार 18 जून को एकादशी आ रही है। इस दिन राशि के अनुसार कुछ दान किया जाए तो नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान नारायण की व्रतों में प्रिय एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी के रूप में हम सभी को प्राप्त हो रहा है 17 एवं 18 तारीख को, जो कि बड़े उत्सव और उमंग के साथ में हम इस व्रत को मनाते हैं, व्रत भी रखते हैं। और व्रत में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का पूजन किया जाता है। इसमें यदि हम अपनी राशि के अनुसार दान करें तो इस व्रत में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है, सोने पे सुहागा हो जाता है। इसमें सबसे पहले मेष राशि वालों को लाल पुष्प से भगवान का पूजन करना है एवं लाल पदार्थ दान करना है, अनार का दान कर सकते हैं, यह मेष राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वाले इस दिन श्वेत वस्त्र का दान करें, श्वेत शर्करा एवं फलाहार की जो श्वेत वस्तुएं हैं उसका दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले इस दिन हरे रंग के वस्त्रों का दान करें, हरी दुर्वा से भगवान गणेश जी का पूजन करें। कर्क राशि वाले जातकों को खीर का भोग लगावें, मखाने की खीर बना करके भगवान को भोग लगावें। एवं सिंह राशि वालों को पीले रंग के वस्त्रों का एवं पीले फलों का दान करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को इस दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिठाई, केसर एवं तुलसी पत्र सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एवं तुला राशि वाले जातकों को भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए श्वेत फल, केला एवं श्रीफल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को गुड़ का दान अति उत्तम रहेगा। और धनु राशि वाले जातकों को भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए श्वेत मिठाई का दान और दूध का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि वालों को इलायची, दही का दान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों को पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल का दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ है एवं बहते हुए पानी में काले तिल प्रवाहित करें, जिससे उनका जीवन सुखद रहेगा। मीन राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग लगावें, श्रीफल भगवान के श्री चरणों में प्रदान करें, जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।